हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं के डेवल टेक में आपका स्वागत करता हूं। पहले की वीडियोस देख करके आपने जो मेरे को शेयर किया और सब्सक्राइब किया और जो लाइक्स भेजे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रिक्वायरमेंट्स के देखते हुए और आपकी ज़रूरतों को देख करके मैं आपके लिए आज बजट पीसी गेमिंग बिल्ड लेके आया हूँ। अगर आप पीसी बिल्ड देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको मैं सारी चीज़ बताऊंगा कि इसको कैसे कैसे लगाना है और किन किन चीज़ों को गेमिंग पीसी बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू। कुछ पार्ट्स की वीडियोस आप पहले देख चुके हैं, जैसे कि कैबिनेट की और आरजीबी गेमिंग किट की। दोस्तों, आज की वीडियो को जो है तीन भागों में बांटा हुआ है मैंने। सबसे पहले जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इन सब पार्ट्स के बारे में, क्या है और कैसे कैसे है, उनको किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में हम असेंबली करेंगे इन सारे पार्ट्स को अपने ज़ेब्रोनिक्स के गेमिंग पीसी कैबिनेट के अंदर, एथेना प्रो के अंदर डालेंगे और उसके बाद में इन सब की मैं आपको प्राइसिंग बताऊंगा और कहां कहां से मैंने इनको परचेज़ किया हुआ है। उसके लिए मैं आपको नीचे वीडियो के अंदर लिंक दे दूंगा, तो आप उनको जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं और आप बाय भी कर सकते हैं। आज की वीडियो इसलिए बनाई गई है क्योंकि लोगों को गेमिंग पीसी जो है एक जगह से लेने में बहुत दिक्कत आती है या फिर बहुत महंगे पड़ जाते हैं, तो अपने बजट वाले दोस्तों के लिए जो है ये बिल्ड्स हैं मैंने जगह जगह से पार्ट्स परचेज़ करे हैं और जितना हो सकता है उतने सस्ते दामों में परचेज़ करे हुए हैं, तो उन्हीं के लिए है ताकि हर कोई जो है गेम खेल पाए अपने बजट के अंदर रह करके और अच्छी बिल्ड बना पाए। तो ठीक है दोस्तों, देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले जो है आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने सारे पार्ट्स जितने भी हमारे गेम पीसी के। सबसे पहले अपना कोर कंपोनेंट एज यूजुअल, i5 का प्रोसेसर लिया है मैंने यहाँ पे, थर्ड जनरेशन का। हाँ, फिर से फोकस करके बोलूँगा, थर्ड जनरेशन का। अब आप कह रहे होंगे अभी 9th जनरेशन चल रही है और थर्ड जनरेशन क्यों? क्योंकि दोस्तों बजट वाली बिल्ड है और हमारे पास में यही एक ऑप्शन था जिसको हम सस्ते दामों पर ले सकते थे। और दूसरा रीज़न ये है कि आने वाले टाइम में मैं इसको चेंज भी करूँगा, बट अभी थोड़ी मार्केट में शॉर्टेज है, i7 जो है 9th जनरेशन का वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं अभी जो मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था उसी से काम चलाना पड़ा है। और ये भी क्वाड कोर प्रोसेसर है, एज सच इसमें परफॉर्मेंस की कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसके बाद में बेंचमार्क रिव्यूज़ भी बताऊंगा। तो हमारे पास में इंटेल का i5-3540 है जिसकी बेस क्लॉक है 3.10 और बूस्ट क्लॉक है 3.45। तो हमारे पास में सेकेंड कोर कॉम्पोनेंट है क्रॉस एयर की DDR3 RAM। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वेंजेंस हमने नहीं लिया क्योंकि वेंजेंस हमें कॉस्टली पड़ रही थी, तो इसलिए हमें यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट RAM लेनी पड़ी है। वैल्यू सिलेक्ट हमारे पास में 1600 MHz पे है और इसकी खासियत ये है कि ये 10 साल की वारंटी के साथ आती है और काफ़ी चीप प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगी। और कहाँ कहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से जा करके इसको बाय कर सकते हैं। ये मैंने 4 रैम लिए हैं 4-4 GB की और डुअल चैनल पे हम इनको चलाएंगे, तो हमारे पास में 16 GB रैम हो गई है जो गेमिंग बिल्ड के लिए आज की डेट में और कोई भी मॉडर्न AAA टाइटल्स को चलाने के लिए काफ़ी है। तीसरे प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है हमारे पास में मदरबोर्ड, जो कि हमारे पास में GigaByte का आने वाला GA Z77P D3 मॉडल है। बोर्ड कॉम्पोनेंट देख लेते हैं अपना। हमारे पास में CPU को कूल डाउन करने के लिए हमने नॉर्मल फ़ैन नहीं लिया है, इसके साथ में हमने लिया है क्रॉस एयर का H100i V2 वर्ज़न है। हाँ, इसके लिए खासियत ये है कि इसके अंदर आपको 240 mm का रेडिएटर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में आता है। ये देखिए इसका हेडर, और इसके साथ में आपको 2 फ़ैन दिए जाते हैं 1300 RPM पे रन करते हैं और वो भी काफ़ी हाइड्रो बेयरिंग के साथ में। तो हाइड्रो बेयरिंग के बारे में आपको पहले एक
अपनी वीडियो में बता चुका हूँ RGB फैन किट के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रो बेयरिंग क्या होता है। उनकी थोड़ी लाइफ वगैरह जो है अच्छी रहती है और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इसलिए इसको पसंद किया है क्योंकि इसके साथ में कूलिंग के जो रिव्यूज़ है वो काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, ये भी थोड़ा पुराना ही है क्योंकि मेरे पास पहले से पड़ा होता है, इसलिए इसको मैं इस गेमिंग किट के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। आइए जान लेते हैं इनके बारे में जो इनके ऊपर फ़ैन लगेंगे। हाँ, इसके जो कंपनी डिफ़ॉल्ट फ़ैन उनको मैंने हटा दिया है, उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे RGB गेमिंग किट के फ़ैन लगाए हैं। ये तीन फ़ैन जो हैं इनको मैंने परचेज़ किया था वोल्टेड PC की तरफ से। इसके साथ में आपको एक मैग्नेटिक LED भी आती है। अगर इनके बारे में आप यूज़ देखना चाहते हैं तो पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर आप जाकर के देख सकते हैं। लिंक आपको इसके अंदर दे दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आइए अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। ये है मेरे पास में फ्रंट बे के लिए 5.25 मीडिया डैशबोर्ड। हाँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा रिकॉर्डिंग वगैरह जैसे हम यूट्यूब की करते हैं तो मेरे को कार्ड रीडर की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से इस कैबिनेट में कार्ड रीडर नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर कोई भी कंपनी नहीं देती है, हैवी से हैवी आप कोई भी गेमिंग कैबिनेट ले लीजिए अच्छी से अच्छी कंपनी का, तो उसके अंदर फ्रंट बे के अंदर आपको नहीं मिला जाता है, तो इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया है। और ये भी मैंने अमेज़ॉन के थ्रू परचेज़ किया है और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अराउंड ऑफ 1300-1400 रुपये का आता है, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। कि खासियत ये है कि आपको बार बार पीछे जाना नहीं, जाके लगाना नहीं पड़ेगा, कोई कनेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे सिर्फ सिंपल जो है आपका अटैच हो जाता है, आगे जो DVD वाली जो पोर्ट होती है ये वाली, इसकी जगह हटा करके हम इस पर इसको लगा सकते हैं। देख पा रहे होंगे आप, इसके अंदर आप इसको फिक्स कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 24-in-1 कार्ड रीडर मिल जाता है, उसके नीचे USB 3.2 पोर्ट्स मिलती हैं, eSATA जो ज़्यादातर अब यूज़ नहीं होती है, बट फिर भी कंपनी दे रही है, देखेंगे उसको यूज़। और हेडफोन के लिए आपको जैक मिल जाता है फ्रंट के लिए, और माइक के लिए भी मिल जाता है अगर आपने रिकॉर्डिंग वगैरह चालू करनी हो, गेम स्ट्रीमिंग करनी है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और साथ ही में आपको दो फ़ैन कंट्रोलर मिलते हैं। फ़ैन कंट्रोलर जो आपके जो कंप्यूटर के कैबिनेट के अंदर जो फ़ैन लगे हैं उनकी स्पीड को रेगुलेट करते हैं। और साथ ही में आपको यहाँ पे एक छोटा सा LED डिस्प्ले मिलता है जिसके अंदर आप सारा टेम्परेचर वगैरह देख सकते हैं कि CPU का टेम्परेचर क्या है, फ़ैन की स्पीड्स क्या है और कौन कौन सी चीज़ वर्क कर रही है उसमें दिखाता है। आइए नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो आइए, हमारा मेन कंपोनेंट जो है जिससे हमारी पूरी रिग चलेगी, PC की गेमिंग रिग जो चलेगी, वो है हमारा PSU। PSU के अंदर कंजूसी ना करते हुए, लेकिन हाँ थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी है, बट फिर भी हमने क्रॉस हेयर के साथ ही गए हैं क्योंकि क्रॉस हेयर जो आपको एक अच्छी वारंटी भी देता है और उसके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं क्वालिटी वाइज। ये देखिए, इसके प्योर कॉपर के प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे अंदर जो लगे हुए हैं, और आपको 120mm का फ़ैन मिल जाता है। और हमारे पास में इसका मॉडल है VS650। यस, 450 नहीं, 550 नहीं, 650, क्योंकि हमारे पास में जो ग्राफिक कार्ड है और बाकी जो हमारे पास एड ऑन से AI हुआ है, RGB फैन किट है, और हम 10 चीज़ें इसमें चला रहे हैं, तो उसके लिए 650 की हमारे पास में एटलीस्ट पावर सप्लाई ज़रूरी है। प्लीज़ दोस्तों, इसके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके पास में, क्योंकि कुछ लोगों ने ये पूछा है कि हम क्या इसके अंदर कोई चीप पावर सप्लाई इस्तेमाल नहीं कर सकते, मार्केट में बहुत सस्ती आती है। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होगा ये कि आपका PC जो है जब ज़्यादा लोड लेगा, जब गेम खेलेंगे तो वो धमाका भी बोल सकता है, आग भी लग सकती है। तो मैं तो अपनी कम से कम लाखों की PC बिल्ड को इतनी 1-2 हज़ार के पीछे जो है फूकने नहीं वाला, तो प्लीज़ मैं तो उसी के साथ पे जाऊँगा। और मैं आपको बोलूँगा कम से कम बजट के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया PC है, आप इस पावर सप्लाई को परचेज़ करें। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आपको आराम से ऑनलाइन जो है 4000 तक की मिल जाएगी, और ऑफलाइन अगर आप नेहरू प्लेस से परचेज़ करना चाहेंगे तो हो सकता है 3000-3500 के अंदर भी आपको मिल जाए। दो स्टोरेज है, सॉरी, पहली तो हमारे पास में 480GB की SSD है ADATA की, ये रही, और उसके बाद में हमारे पास में 2TB की Seagate की FireCuda आने वाली गेमिंग सीरीज़ की हार्ड डिस्क है। दोनों की यूजेस बता देता हूँ। 480GB के अंदर ये हमारी मेन हार्ड ड्राइव बनेगी जिसके अंदर हम विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, विंडोज़ 10 को, और साथ ही में कुछ जो हमारे सॉफ्टवेयर रन करने वाले हैं या कुछ जो हमारी हैवी रिक्वायरमेंट वाली गेम्स होती हैं जिनको चलाने के लिए आपको काफ़ी स्पीडी चाहिए होता है, वो यहाँ पे करेंगे। जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो है हमारे पास Seagate की FireCuda, ये 2TB की है, और इसके अंदर आप अपनी सारी की सारी जितनी भी बैकअप फाइल्स आप उसको रख सकते हैं। लाइक एज़ आपने कोई म्यूजिक फाइल बनानी है, कोई अगर आप वीडियो रेंडरिंग कर रहे हैं या कोई भी आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं गेम की, तो आप इसके अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं, और गेम्स जो आप डाउनलोड करेंगे, अपना जो स्टीम अकाउंट बनाएंगे, वो सब इसके अंदर डालेंगे। और ये थोड़ी नॉर्मल हार्ड ड्राइव से महंगी आती है, उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर आपको 8GB की SSD मिलती है इनबिल्ट। तो जब फाइल्स इसके अंदर जाती है, जब PC आपका मांगता है, तो
नॉर्मल हार्ड ड्राइव से इसकी जो स्पीड है प्रोसेसिंग स्पीड वो थोड़ी सी ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू SSD कम है, लेकिन नॉर्मल ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव से थोड़ी ज़्यादा है। तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको लेना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप अपनी गेमिंग PC बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा गेम लोड होती रहे, टाइम लगेगा, तो उससे ज़्यादा बढ़िया कि आप इसको परचेज़ करें। हाँ, थोड़ी सी कॉस्टली है, नॉर्मली आपको 2 TB की हार्ड ड्राइव 6,500 की मिल जाएगी, ये आपको पड़ती है 9,500 की, जो कि मैंने MD कंप्यूटर से मंगवाई है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और ए डाटा की हार्ड डिस्क भी मैंने वहीं से परचेज़ करी है। आइए, अपना जो राजा कहलाया जाता है गेमिंग PC के लिए, वो है कंपोनेंट हमारा ग्राफिक कार्ड। हाँ, अब आप सही पहचाने हैं, जो जिससे गेम चलेगी। आप सोच रहे होंगे कौन सा ग्राफिक कार्ड है, क्या है, काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो बता देता हूँ, ये गीगाबाइट की तरफ से आने वाला GTX 1080 8GB एडिशन है DDR5 के साथ में। हाई रिफ्रेश रेट और 2K तक की गेमिंग करनी है तो उसके लिए ये बढ़िया है। इसलिए मैंने इसमें कंजूसी नहीं करी, इसलिए मैंने इस कार्ड को परचेज़ करा, क्योंकि RTX सीरीज़ के अंदर दो चीज़ें दिक्कत दे रही हैं। एक तो वो बार बार जो है उनके अंदर रैम की दिक्कत आ रही है, RMA डिफ़ॉल्ट हो रहा है, उनके अंदर आपको कलर लाइन देखने को मिलेंगी, जो काफ़ी कस्टमर रिव्यूज़ आ रहे हैं कि चल नहीं पा रहा है, महंगे से महंगा कार्ड। इसलिए मैं RTX 2060 की तरफ नहीं गया या RTX 2070 की तरफ नहीं गया, थोड़े वो कॉस्टली भी हैं। GTX 16 सीरीज़ के अंदर सिर्फ दो ही कार्ड अवेलेबल हैं, एक 1660 और एक 1660 Ti, वो दोनों की परफॉर्मेंस जो है इससे कम है, तो इसी वजह से जो है इसको मैंने रिकमेंड किया, क्योंकि मेरे को आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है 2K और 4K भी गेमिंग करूँ। 2K की तो मैं अभी कर ही रहा हूँ, 4K की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और इसी वजह से मैंने इसको कहा, क्योंकि इसके मैंने रिव्यूज़ देखे और इसके गेम प्ले, इसके FPS देखे, वो आपको पूरी तरह अबव 60 देता है AAA करंट मॉडर्न टाइटल्स के अंदर विद थर्ड जनरेशन प्रोसेसर i5 के साथ में। जी हाँ, आने वाले टाइम में इसके अंदर सिर्फ आपके पास में एक ही चीज़ रह जाएगी, सिर्फ मदरबोर्ड रैम और प्रोसेसर चेंज करना है, जो कि आपको बता दूँ इन तीन की तो कॉस्टिंग है, मदरबोर्ड प्रोसेसर रैम की ये मेरे को बहुत सस्ते पड़े हैं, मात्र 15 से 20 हज़ार के अंदर तीनों चीज़ें आ गई हैं, जो कि अगर आप अभी करंट जनरेशन का परचेज़ करने जाएंगे तो कम से कम आपका बजट जाएगा 30 से 35 हज़ार रुपये, या 40 हज़ार भी जा सकता है। तो आइए, उसके बाद में आपको लास्ट बता देता हूँ हमारे पास में और एड ऑन एसेसरीज़ क्या हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेंगी। जैसे कि इसके अंदर मैंने लगाई है मैग्नेट LED RGB स्ट्रिप, जैसे थोड़ा सा इसकी गेटअप अच्छी आएगी अपने गेमिंग PC की, और साथ ही में एक और RGB है हमारे पास में स्ट्रिप, इसको ये मैग्नेटिक नहीं है, इसको हम पेस्ट करेंगे, पीछे इसको ग्लू लगा हुआ है। साथ ही में ये सारे कंपोनेंट जिसके अंदर जाएंगे उसकी भी बात कर लेते हैं, वो ज़ेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला हमारे पास में गेमिंग PC केस है, जिसका नाम है एथना प्रो। हाँ, इसके लिए मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ दोस्तों, अगर आपने इसकी वीडियो डिटेल में देखनी हो, इसके बारे में जानना हो, इसके फीचर्स जानने हो, तो वह आप नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर जाकर के उसको वीडियो को देख सकते हैं, वो आपको आराम से इजीली मिल जाएगा। इसकी कॉस्टिंग भी मैंने उसके अंदर डिस्कस करी है, उसको कहाँ से परचेज करा वो भी है, और इस वीडियो के अंदर भी आपको नीचे दे दूंगा। इसकी खासियत यह है कि आपको यहाँ पर टेम्पर्ड मिल जाता है, जिसके अंदर आप जो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं RGB लाइटिंग वगैरह सब यहाँ पर अच्छी तरह देखेंगे। सिंपल दिखने में अच्छी लग रही है, आपको थोड़ी सी लग रहा होगा बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी खासियत ये है यहाँ से आपको पूरी की पूरी बनने के बाद में लाइटिंग देखेगी, और फ्रंट के अंदर आपको जो है यहाँ पे मैश फिनिश का आपको वेंटिलेटेड हॉनीकॉम नेट मिल जाता है, जिसकी वजह से आप इसके अंदर आगे रेडिएटर लगा सकते हैं 240 mm, जो मैं यहाँ पर लगाऊँगा, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रंट से जो फ़ैन है एयर इनटेक करेंगे और काफ़ी अच्छी कूलिंग करेंगे, और हमारे जो PC के जो कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा हीटअप नहीं होंगे, इसी वजह से इसको मैंने परचेस किया है। और इसके अंदर भी ऊपर फ्रंट बोर्ड के अंदर USB 3.0 फैन स्पीड रेगुलेटर दिए हुए हैं, और जो भी एसेस दिया जाता नॉर्मली वो सब इसके अंदर है। बेसिक रिक्वायरमेंट गेमिंग PC के लिए ये कम बजट के अंदर आने वाली सबसे अच्छी कैबिनेट है। आप मैं बोलूँगा अगर आप किसी का बजट जो है ज़्यादा अलाउ नहीं करता है 5,000 से ज़्यादा, तो आप इसकी तरफ जाएं। मार्केट कॉस्टिंग इसकी 6,500 है, लेकिन ऑनलाइन मैंने साइट से मंगवाई है, उस वो मेरे को पड़ी है 2700 रुपये की। चालू करते हैं। सबसे पहला काम जो है आपने क्या करना है, अपने मदरबोर्ड को जो है किसी बोर्ड बॉक्स के ऊपर रखना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रहता है, वैसे तो इसके साथ में वो तार तूर भी बांधते हैं, पता नहीं क्या क्या, लेकिन हमारे पास में जो है उसी से काम चलाएंगे अभी फ़िलहाल। सो इसको बोर्ड के ऊपर रखिएगा, और नीचे फॉर्म इसके साथ में आती है बॉक्स के अंदर, ताकि जो नीचे पिंस है वो दबे ना। और इसमें सबसे पहले हम
अपना प्रोसेसर को इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहला काम इसको हम यहीं पे कर लेंगे और रैम को भी यहीं पे इनमें इंस्टॉल कर लेंगे। उसका रीज़न ये है कि कैबिनेट पे लगाने में थोड़ी सी तकलीफ़ आती है क्योंकि इनके स्क्रूज़ वगैरह कसने होते हैं। तो आइए पहला स्टेप चालू करते हैं, इसको अपने इसके लॉक को खोलेंगे, लॉक पिन को, और ये ईजीली आपका ऊपर आ जाएगा। देखिए इन पिंस को आपको हाथ नहीं लगाना है और इन पिंस के ऊपर हाथ लगाएंगे बेंड हो जाएंगे तो आपका मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा। ये हमारा प्रोसेसर, इस प्रोसेसर को आपने किस तरह से डालना है ये देखिए, यहाँ पे नॉचेज हैं, ये यहाँ पे नॉच है, यहाँ पे नॉच है, एक ये नॉच और ये वाली नॉच, और यही नॉच सेम आपको यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसी के एक प्लेट में रखना है। और अगर आपको वैसे भी नहीं समझ आ रहा होगा तो उसके अलावा आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है कॉपर से एरो करता हुआ, वो एरो आपको इस तरफ डायरेक्शन देता है कि इस साइड में आपको बनाना है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। और बाकी नॉचेस का ध्यान रखेंगे तो आपका कभी भी आपसे गलत नहीं होगा कि एक ही पैटर्न के अंदर जाएगा और किसी डायरेक्शन में जाएगा नहीं, वरना जो आपका सॉकेट हो ख़राब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ना इधर हाथ लगाना है ना इसके पीछे हाथ लगाना है। ये देखिए बहुत आराम से चला गया और हमें सिर्फ इसे वापस जिस तरह से खोला था उस तरह से बंद करना है फंसा करके, और इसे हमने लगा दिया। ये जो ढक्कन है अपने आप बाहर आ जाएगा, इसमें ज़्यादा मेहनत मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, ये कवर होता है इसका। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थर्मल पेस्ट। थर्मल पेस्ट में आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ आर्टिक सिल्वर 5। आप थोड़ा और अच्छा भी कर सकते हैं बट ये भी काफ़ी है, आपकी ओसी कर सकता है इसके भी। ये भी आपको ऑनलाइन अमेजोन के थ्रू मिल जाएगा, ये भी मेरे पास रखा हुआ था, मैंने काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है ये। मात्र आपको थोड़ा सा डालना है ये, और इसके ऊपर जो है वो अपना AIO इंस्टॉल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ पर हम अपनी रैम्स को इंस्टॉल करेंगे। रैम्स को इंस्टॉल करना देख लीजिए कैसे करना है, दोनों तरफ के लॉक्स को खोल लीजिए पहले आराम से, और ये देख रहे हैं आप बीच में कटआउट दे रखा है, यही सेम कटआउट जो आपकी रैम के अंदर दिया होता है, तो उसी के हिसाब से आपको एक ही डायरेक्शन में ये डालेंगे और उसी में डाल दिए। अगर आपके पास में चार रैम नहीं है या आपके पास में एक रैम है दो रैम है तो आपको ध्यान देना है कि ये जो कलरिंग कोडिंग दे रखी है उसी के हिसाब से दी हुई है आपको, कि सबसे पहले अगर आपको कौन सी स्लॉट यूज़ करनी है, यहाँ पर आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है DDR3 की 4, 2, 3 और 1, ये पहली वाली है यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, दूसरी वाली रैम यहाँ लगेगी, फिर तीसरी यहाँ लगेगी और चौथी यहाँ पे लगेगी। तो आइए इंस्टॉल करते हैं। ये गई अंदर और इसको हल्का सा प्रेस करना है और बस ये हो गया, ज़्यादा फोर्सिंग की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप लॉक की आवाज़ आएगी और ये बंद हो जाएगा। दूसरी वाली को भी डालेंगे। मैं इनको सीरीज़ में सिलेंडर डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास चारों ही सेम फ्रिक्वेंसी की है, तो कोई सी भी पहले आगे पीछे कर लो, एक साथ ली हुई है तो कैसे भी लगा सकता हूँ, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि लगाइए वरना आपके सिंगल चैनल पे रैम चलेंगी, आप ड्यूअल चैनल पे नहीं चला पाएंगे। ये देखिए आपकी चारों रैम इंस्टॉल हो गई, आपका मदरबोर्ड जो है तैयार है। अब इस पर हम अपने क्रॉसर की IO को इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद में हम करेंगे इसका POST। POST क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। वो हम पहले इसलिए चेक कर लेंगे क्योंकि मदरबोर्ड को उसमें डालेंगे कैबिनेट के अंदर और उसके बाद में पता चले स्टार्ट ना हो, कोई फॉल्ट आ जाए, इसलिए हम उसको पहले चेक कर लेंगे। ज़्यादा परेशानी ना हो, बंदा हिम्मत हार जाता है कि इतनी मेहनत करी और डाला और फिर निकाले, तो पहले यहीं पर चेक कर लेंगे, उसके बाद इसको हम उसके अंदर कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो करते हैं इसमें AIO को लगा करके भी ट्राई करते हैं।
सो दोस्तों, हमने इसको स्क्रूज को और पीछे जो है ब्रैकेट को हमने टाइट कर लिया है। थोड़ा सा मेरे को कैमरे के साथ में वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी और इसको टाइट करने में, इसको मैंने कर लिया, तो आप भी कर सकते हैं। पिन को पीछे लगाना और वॉशर्स को पीछे टाइट करके, और ये डबल पिन जो है आप ऊपर ला के इसको स्क्रूज को टाइट कर लीजिए। उसके बाद में बहुत आसान है, सिर्फ अपने AIO की किट को जो है उसका जो पंप है उसे हम लेकर के आएंगे और उसके ऊपर फिक्स करेंगे। ये ब्रैकेट इसके अंदर लगेगा और ये लग जाएगा। इसमें अलग से पहले AMD का लगा हुआ आया था, तो हमने इसको निकाल के इंटेल का लगाया। ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर रख दिया और ये फिक्स हो चुका है। और बस अब यहाँ पे हमें थंब स्क्रूज को टाइट करना है जो उसके साथ में हमें आए। ये आपके थंब से और फिंगर की मदद से हो सकते हैं। क्रॉस के अंदर आप इनको लगाइएगा ताकि कहीं से भी ज़्यादा बेंड ना हो जाए मदरबोर्ड। क्रिस क्रॉस में लगाइएगा, एक तरफ से नहीं कि लगाते हुए चले जाएं। इनको स्क्रूज को टाइट कर लेते हैं। देखा आपने कितना आसान है इसके साथ में काम करना। लगाया और बटन दबाइए भाई, और ये देखिए, ये बिल्कुल टाइट हो चुका है इसके साथ में। और अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें चेक करना है इसे कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये आपको यहाँ पे लगाना है, ये इसको मॉनिटर करता है और ये करंट भी इसको प्रोवाइड करेगा। और ये नीचे आप USB 2.0 के हेडर के अंदर इसको जाकर के बस प्लग इन कर दीजिए। और ये जो आपको दे रखी है यहाँ पे, ये फ़ैन के कनेक्टर्स हैं। सबसे पहले तो इस वाले को आप मदरबोर्ड के सिस्टम फैन के साथ में एडजस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप तार को इसको राउंड करके और यहाँ लगा दीजिए। ये CPU फैन वाले में से लगा दिया जाएगा ताकि इसको करंट मिले। और इसके अंदर हम यहाँ पे रेडिएटर के ऊपर दो फैंस लगाएंगे RGB वाले, उनको हम बाद में लगाएंगे, अभी सिर्फ हमें POC टेस्ट करना है, उसके लिए हमने इसको लगाया है। ये लगा दिया हमने पावर केबल मदरबोर्ड की पावर सप्लाई के लिए। और ये हमारा ऑक्स केबल जो CPU को पावर प्रोवाइड करेगा। ये हमने डिस्प्ले लगा दिया इसके अंदर। और हमने सारा पावर कनेक्टर लगा दिया है, सारी चीज़ हो गई है और बस हम डिस्प्ले भी देखिए मैंने दे दिया है, उसको हम चालू करते हैं। ये यहाँ पे अभी हमने स्विच नहीं लगाया, तो अभी जो है हमें सिर्फ यहाँ पढ़ने के बाद में इसको जस्ट टच आउट करना है पावर को। ये देखिए पावर सप्लाई। हाँ तो दोस्तों, POC टेस्ट हमारा सही है, कोई पोर्टेबल डिवाइस नहीं, मतलब डिस्प्ले चेक करना था, सारी चीज़ ओके। और हम इसको लेकर के जाएंगे अपने कैबिनेट के अंदर, वहाँ जा करके बाकी सारी। तो सबसे आसान तरीका है PC बिल्ड करने का कि हम सबसे पहले कैबिनेट को पूरी तरह से जितना हो सकता है उतना ओपन कर लें, ताकि हमें बार बार जो है कोई स्क्रू खोलने की ज़रूरत ना पड़े और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और टेम्पर्ड है वैसे भी एक साइड में, तो हो सकता है कि कहीं कुछ हमारे स्क्रैचेस वगैरह लग जाए, तो सबसे पहले हम अपने टेम्पर को सिक्योर करेंगे।
सेकंड साइड का भी खोल लेते हैं पैनल को। क्योंकि पीछे की तरफ हमें केबल मैनेजमेंट करनी है। और बाकी बचा हमारा फ्रंट पैनल, उसको भी हटा लेते हैं। यहाँ पे हमारा रेडिएटर इंस्टॉल होएगा, उसको भी हम डिटैच करके रख लेते हैं अलग से। सो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है अपने मदरबोर्ड को अपने कैबिनेट के अंदर डालेंगे, और उससे पहले हम यहाँ पे जो है पीछे इसके बैक पैनल को लगाएंगे। जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। सो फ्रंट, सो हमने बैक पैनल को जो है पीछे लगाना है। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, बट हो जाता है। अब जो मदरबोर्ड्स आ रहे हैं उसके अंदर ऑलरेडी फिक्स होता है, तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये फुल ATX बोर्ड है, तो पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाएगा। और उसके हिसाब से आपको पहले यहाँ पे देख लेना है कि आपके हिसाब से सारे स्क्रूज यहाँ पे है कि नहीं है। जैसा कि यहाँ पे स्क्रूज दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 स्क्रूज के लिए आपके पास में जगह है। और आपको इनके अंदर कुछ नहीं लगाना, आपको सिर्फ इसे मदरबोर्ड को रखना है और जस्ट सिंपली आप इसे इस पर लगा लेंगे, इसकी जगह पर ले जा करके इसे फिक्स कर दीजिए। जा करके रख देंगे और यहाँ पे जा करके आप इसके स्क्रूज को टाइट कर देंगे। बैक फैन हमारा रियर एग्जॉस्ट फैन जो है वापस अटैच कर दिया हमने। आइए अब हम इसके अंदर जो है अपनी
केबल के लिए जो श्राउड है वो यहाँ से बनाया गया है ताकि आप जो है आराम से इसको यहाँ से डाल पाएँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसको हमें यहाँ से डालना है ऐसे इस तरीके से। और बस इसके जो स्क्रूज हैं हमें उनको टाइट कर देना है। यहाँ पे चार स्क्रूज इसके साथ में आते हैं, ये देखिए इसके स्क्रूज हैं। इसका आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने फ़ैन जो है उसको नीचे की तरफ लगाया है ताकि वो जो एयर है वो नीचे से कूल एयर इंटेक कर सके, हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ निकाल सके, जिससे जो है हमारा SMPS यानी कि पावर सप्लाई यूनिट जो है वो कूल रहे, ज़्यादा गर्म ना हो। उसके अंदर भी 120 एम का फ़ैन लगा हुआ है। आपकी पावर सप्लाई रेडी है। अब हमें सिर्फ सारे जॉइंट्स देने हैं जो कि हमारे पास में यहाँ दिए गए हैं, ये देखिए आप, इनके कनेक्शन करने हैं। और फ्रंट पैनल भी है, इसके भी कनेक्टर हमें दें। हमारी हो गई है। अब इसके अंदर एक ग्राफिक कार्ड लगाना और बाकी है, सो हम उसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारे मेन कोर कंपोनेंट जो है उसके बाद में हम केबल्स के कनेक्शन देंगे। ये देखिए, ग्राफिक कार्ड लगाने से पहले ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर एक बैक साइड के अंदर भी स्क्रू दे रखा है। पहले इसको हम पीछे वाले स्क्रू को ओपन करेंगे जिससे कि हम पीछे की PCI एक्सपेंशन स्लॉट्स को यूज़ कर पाएँ। ये ऐसे ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले एक्सपेंशन स्लॉट को खाली करना है, उसका स्क्रू हटाएंगे आप और ये ऐसे निकल के बाहर आ जाएगी। आपको ग्राफिक कार्ड में दो स्लॉट्स आपको चाहिए एक्सपेंशन की, क्योंकि ग्राफिक कार्ड थोड़ा बड़ा है, उसी वजह से हम दूसरे स्लॉट को भी खाली करेंगे और इसे भी निकाल लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने कैबिनेट को इस तरीके से लटा लें जिससे कि कोई दिक्कत ना आए आपको इंस्टॉल करने के लिए और ग्राफिक कार्ड प्रॉपरली जो वो इंस्टॉल हो पाए। फ्रंट वाली फर्स्ट वाली PCI एक्सप्रेस पोर्ट के अंदर हम इसे एक्सपेंशन फर्स्ट वाले PCI एक्सप्रेस स्लॉट के अंदर हम इसे डालेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। हमें एक स्लॉट और खाली करनी पड़ेगी क्योंकि ये फ्रंट में ले करके नीचे वाले में ले रहा है। और ये बस चला गया। ये देखिए आपका ग्राफिक कार्ड एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर जा चुका है। अब हमें इसके
स्क्रू को वापस यहाँ पे टाइट कर देना है, जिससे कि ये इधर उधर मूवमेंट ना करे। ये हमने इसको टाइट कर दिया और थोड़ी सी और स्टेबली के टाइट से दूसरा कर देते हैं। और हमारे पास में एक स्लॉट के लिए था जो हमने निकाला था, हम इसे यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो हम इसे वापस लगा देते हैं ताकि इससे डस्ट ना जाए आपके पीछे कैबिनेट के अंदर। और इसको भी पीछे लॉक कर देंगे। ये देखिए आपका ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल हो गया। इसमें पावर के लिए बस हमें कनेक्शन देना है। ऑलमोस्ट हमारा पीसी रेडी है, जस्ट अब हम इसके कनेक्शंस कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें फ्रंट पैनल इंस्टॉल कर लेना चाहिए। ये रहा हमारे पास में स्पीकर, ये सब हमें मदरबोर्ड में दिया हुआ है नीचे, उसे देख देख करके आप लगा सकते हैं बड़े आराम से। तारों का थोड़ा मैस हो गया है, बहुत मैसी सा है, लेकिन अभी जब हम इसको पूरा कनेक्शन लगा लेंगे तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा पीसी जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है, ये बैक साइड से, फ्रंट से, ओ साइड पैनल से और ये फ्रंट से। अब हम उसका टेम्पर्ड लगा देते हैं, कितनी कोशिश हो सकी है उतनी मैंने नीट एंड क्लीन इसकी वायरिंग करने की कोशिश की है, बाकी अब चलने पे आपको पता चलेगा। फाइनली फ्रेंड्स हमारा गेमिंग पीसी बिल्ड तैयार है। आप देख सकते हैं इसके अंदर आरजीबी लाइटिंग भरपूर डाली गई है और इसके साथ में रिमोट कंट्रोल भी है जिसको आप चेंज कर सकते हैं लाइटिंग को। और इसके अंदर मैंने 3 आरजीबी फैंस लगाए, 1 मैग्नेटिक आरजीबी स्ट्रिप है और 3 इसके अंदर सिंपल ब्लू फैंस आए थे जो 2 ऊपर लगी हुई और 1 बैक साइड के अंदर लगा हुआ है। ये देखिए मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ उसके, ये देखिए ग्रीन ब्लू रेड और मोड्स आप चेंज कर सकते हैं इसके अंदर जैसे भी आपको करने हो। तो लिस्टिंग है वो मैं आपको सारी की सारी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा और लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। इस बिल्ड के अंदर सारी चीज़ नहीं है, अगर जैसे आप चाहते हैं कि इसके अंदर मदरबोर्ड रैम और प्रोसेसर पुराना लगाया गया है तो आने वाले टाइम के अंदर इसको अपग्रेड भी किया जा सकता है, जो मैं आने वाले टाइम में करूँगा भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके गेमिंग बेंचमार्क्स दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिससे आपको पता चले कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया है, उसके टेम्परेचर्स वगैरह कैसे हैं। तो तब तक के लिए आपसे ज़्यादा चाहूँगा और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।